इंट्रोडक्शन, परिचय। कोई भी खतरनाक मटेरियल जैसे बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल और फिजिकल जो भी हो, ह्यूमंस, एनिमल्स और हमारे पर्यावरण को नुकसान करे उन्हें ही खतरनाक मटेरियल या हजार्ड मटेरियल कहते हैं। इन पदार्थों का उपयोग फैक्ट्रियों, प्रयोगशाला इत्यादियों में होती है। इनकी ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज रखना जरूरी होती है, किंतु इन हजार्ड मटेरियल की जानकारी और सेफ्टी की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप सबको 1984 भोपाल गैस त्रासदी याद होगा। हजार्ड मटेरियल सेफ्टी के अंतर्गत एक्सप्लोजिव एक्ट एंड सिलेंडर रूल्स, पेट्रोलियम एक्ट एंड रूल्स, द फैक्ट्री एक्ट, मैन्युफैक्चरर्स, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ द हजार्ड केमिकल, केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स अमेंडमेंट रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट, ये सब जितनी हैं सभी इस रूल को फॉलो करते हैं। मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। हजार मटेरियल का क्लासिफिकेशन डिफरेंट कंट्री एंड रीजन में अपने समझ के हिसाब से किया जाता है। दूसरा, क्लासिफिकेशन जो है ह्यूमन और पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालती है ये जानकारी देती है। MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग और प्रोसेसिंग में किस प्रकार से हमें करना है ये हेल्प करती है। और यदि कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो उसको उस कंडीशन में, इमरजेंसी में उसको नियंत्रण करने में ये डाटा शीट बहुत उपयोगी होती है। 1960 में नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन USA ने NFPA 704 एक डायमंड कोड दिया हुआ था। इसको देख के आप जान सकते हैं कि क्या है ये। चतुर्भुज चार कलरों में होती है। रेड फायर हजार्ड को बताती है, उसके राइट साइड में येलो कलर रिएक्शन, केमिकल रिएक्टिविटी जो है उसको बताती है, उसके बाद लेफ्ट साइड की जो ब्लू कलर है वो हेल्थ हजार्ड को बताती है, और बॉटम साइड की जो वाइट कलर है वो स्पेसिफिक हजार्ड के बारे में हमको इंगित करती है। इन चार चतुर्भुज की चार अलग अलग कलर होती है, उसमें से रेड में अगर, रेड वाले पार्ट में अगर जीरो लिखा है इसका मतलब विल नॉट बर्न, वो नहीं जलेगा जो मटेरियल है। यदि एक लिखा है तो एबो 200 उसमें फ़ारेनहाइट की उसकी फ्लैश पॉइंट होगी। अगर दो लिखी है तो उसमें जो मटेरियल है उसकी फ्लैश पॉइंट 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगी और 200 फ़ारेनहाइट से कम होगी। यदि तीन लिखी हुई है तो वो 100 फ़ारेनहाइट से कम की होगी। अगर उसमें चार लिखी हुई है उस बॉक्स में तो 73 फ़ारेनहाइट से उसकी फ्लैश पॉइंट होगी। अब लेफ्ट साइड येलो बॉक्स में यदि जीरो लिखा है तो स्टेबल, वन लिखा है तो अनस्टेबल इफ हीटेड, और टू लिखी हुई है तो विवलेंट केमिकल चेंजेस, तीसरा अगर तीन लिखा हुआ है तो शॉक एंड हीट मे बी डिनोटेड, और फोर लिखा है मे बी डिनोटेड। लेफ्ट साइड ब्लू बॉक्स में यदि जीरो लिखा होगा तो नॉर्मल मटेरियल है, वन लिखा होगा तो स्लाइडली हजार्डस है, टू लिखी होगी तो हजार्डस है, थ्री लिखी होगी तो एक्सट्रीम डेंजर, और फोर्थ अगर चार लिखी होगी उस बॉक्स में तो वो डेडली। इस टाइप से उसमें प्रोडक्ट के बारे में हमको पता चल जाती है। वाइट साइड में यदि ACID लिखा होगा एसिड, ALK लिखा होगा एल्काइल, COR लिखा कोरोजी, OXY लिखा ऑक्सीडाइजर रेडिएशन, और W लिखा होगा यूज़ ऑफ वाटर। ये जो कोड होती है जो एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट या केमिकल को ले जाती है उस ट्रक, और जो चकोर साइज में रहती है उसको ट्रक बोलते हैं, और जो गोल रहती है कैप्सूल उसको टैंकर बोलते हैं। पहले तो इस चीज़ को क्लियर रहना चाहिए कि ट्रक और कैप्सूल में क्या डिफरेंट होती है। तो जो ट्रक होती है उसके आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं पीछे और उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड किस किस जगह पे ये मार्क होगी आप इसको पिक्चर में आराम से देख सकते हैं। ये जो हजार्ड मटेरियल्स होते हैं ये इंटरनेशनल और नेशनल के हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग डेंजर्स गुड्स होते हैं। इनकी एक एक, एक प्रॉपर कोडिंग की जाती है, उस कोडिंग को आप पढ़ के समझ सकते हैं उसमें कौन सी प्रोडक्ट है वो कितनी खतरनाक होती है। जैसे क्लास वन
क्लास वन एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट, उस एक्सप्लोजिव में भी वो कितना एक्सप्लोजिव है, एक 1.1 है, 1.2 है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इस टाइप से वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड रहती है। उसके बाद क्लास टू में गैसेस आती है, इसमें फ्लेमेबल गैसेस, 2.2 में नॉन फ्लेमेबल गैसेस और 2.3 में पॉइजन गैस को रखा गया है। उसके बाद क्लास थ्री में फ्लेमेबल लिक्विड को रखा गया है, जिसमें जिसकी फ्लैश पॉइंट के हिसाब से उसको कैटेगरी किया है, 18 तक रहेगा तो उसको 3.1, 18 से ऊपर और 23 से कम रहेगी तो 3.2 क्लास में रखेंगे, और 3.3 में 23 से ऊपर और 61 से हायर जो रहती है उस फ्लेमेबल लिक्विड को क्लास थ्री में रखा जाता है। इसके बाद क्लास फोर में फ्लेमेबल सॉलिड को रखा जाता है, 4.1 फ्लेमेबल सॉलिड टू 4.2 स्पॉन्टेनियस कम्बस्टिबल मटेरियल को, 4.3 मटेरियल्स डेंजर वाइल व्हेन वेट, जैसे वो गीला हो जाता है तो वो डेंजर हो जाता है, तो पानी से बहुत ज़्यादा खतरा है, तो उस टाइप से मटेरियल जो सॉलिड होते हैं उनको क्लास चार में रखा जाता है। क्लास पाँच में ऑक्सीडाइजर एंड ऑर्गेनिक प्रोक्सीडेंस जो केमिकल्स होते हैं उनको क्लास फाइव में रखा जाता है। क्लास सिक्स में पॉइजन एंड एटियोलॉजिकल मटेरियल जो रहती है, जो इन्फेक्शन फैलाती है, पॉइजन होती है, इस टाइप से दो अलग अलग मटेरियल है उसको रखी जाती है। क्लास सेवन में रेडियो एक्टिव मटेरियल होती है, ये मटेरियल क्या होती है, इसमें रेडिएशन निकलती है, तो इस टाइप के मटेरियल जो होती है उसको क्लास सेवन में क्लासिफाइड किया गया। उसके बाद क्लास एट और क्लास नाइन दो और कैटेगरीज हैं, जिसमें क्लास एट में कोरोजिव, जिसमें प्रकार कोई जो लिक्विड या मटेरियल सॉलिड मटेरियल है जो ह्यूमन के स्किन में पे यदि गिरती है तो वो क्षरण कोरोजिव करती है उसको। क्लास नाइन में मिसलेनियस टाइप की प्रोडक्ट होती है जो ट्रांसपोर्टिंग हजार्ड है, किसी प्रकार से जो हजार्डेड होती है उसको क्लास नाइन में क्लासिफाइड किया गया है। इसके बाद आपने ये कोड देखा होगा, ये पैनल में हमने क्लासिफिकेशन डायमंड हमने अभी देख लिया, उसके बाद फिर ये लोगों में कंपनी नेम, टेलीफोन और यूनिक प्रोडक्ट कोड जो होती है वो लिखी रहती है। इसके बाद हम इमरजेंसी एक्शन के बारे में देखेंगे। इमरजेंसी एक्शन कोड में 1, 2, 3, 4 लिखी हुई है, इसका मतलब एक मतलब जेट, दो फोक, तीन फोम, चार ड्राई एजेंट लेना है, यूज़ करना है, वाटर यूज़ नहीं करना। उसके बाद इसको दो पार्ट में बांटा गया है, डायलूट करना एंड कंटेन। इसमें पी आर एस और टी अगर तीन कोड लिखी है तो उसको वाटर से हम डायलूट करेंगे, यदि उसके बाद डब्ल्यू एक्स और वाई जेड ये अगर वर्ड लिखी होगी इसका मतलब आपको समझना है उसमें कंटेन, उसको ड्रेन करना। यदि इमरजेंसी कोड में यदि वी लिखी है इसका मतलब वो उस प्रोडक्ट में एक्सप्लोजन और रिएक्शन होने का खतरा जो होता है वो उसमें शो होता है। फुल लिखी हुई है, फुल का मतलब होता है आपको फुल बॉडी प्रोटेक्शन विथ बी ए सेट के साथ आपको उस केमिकल को हैंडल करना है। यदि उस कोड में ई लिखी हुई है मतलब आपको वहाँ से आसपास के एरिया को खाली करनी है। इस वीडियो में आपने हजार्ड क्लासिफिकेशन, कलर कोड, क्लास और जो इमरजेंसी पैनल में जो लिखी हुई रहती है हैंडलिंग के लिए आपने उसको पढ़ना सीखा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। धन्यवाद।